हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। यदि आप लोग भी डिफेंस की तैयारी करते हैं और आप लोग भी यदि ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंटेंट बोर्ड अम्बाला, जी हाँ, कंटेनमेंट बोर्ड जो अम्बाला है उसके अंतर्गत आप लोगों की सफाई कर्मचारी की 74 वैकेंसी निकली हुई। जी हाँ, ग्रुप डी की आप लोगों की जो है 74 वैकेंसी निकली हुई है। कंटेनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल, जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहीं पे आप लोगों की जो है इसकी ऑनलाइन वैकेंसी निकलेगी जो कि कुछ दिनों में आप लोगों की ऑनलाइन हो जाएगी। जी हाँ, ऑनलाइन हो जाएगी। मैं आज आप लोगों को जो ये न्यूज दे रहा हूँ ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज से दे रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आप लोगों की जो वैकेंसी ऑनलाइन हो जाएगी और यहीं से आप लोग इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कंटेनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल से। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को जो वैकेंसी निकली इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज की आज की वैकेंसी निकली हुई है कंटेनमेंट बोर्ड अम्बाला। जी हाँ, कंटेनमेंट बोर्ड अम्बाला में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला। जी हाँ, सफाई वाला की पोस्ट है ये, जो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट और पोर्टल जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इस पे आप लोग डेली विजिट करते रहेंगे, आप लोगों को जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा और ऑनलाइन जिस दिन फॉर्म होगा मैं भी आप लोग को बता दूंगा और कैसे फॉर्म भरना उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो ये वैकेंसी है इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सफाई वाला की बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई, 74 वैकेंसी निकली हुई कंटेनमेंट बोर्ड में। जी हाँ, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 74 वैकेंसी है और इसके लिए मैं आप लोग बताऊँ जनरल 38, ओबीसी 33, पीडब्ल्यूडी 33। ठीक है, सभी के लिए इसमें वैकेंसी है और इसके बाद आप लोग नीचे आइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसके लिए जो एज है, एज जो है इसकी 18 से 25 साल रखी है। जी हाँ, 18 से 25 साल एज रखी है और एज में आप लोग को रिलैक्सेशन है जैसा कि आप लोग को गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। जी हाँ, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल इसमें आप लोग को छूट मिलेगी। ठीक है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है, किसी भी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो जो सैलरी है वो आप लोग देख सकते हैं, 16,900 से 51,900 रुपए की जो इसकी पे स्केल है। ठीक है, आप लोग की 20 से 22 हजार रुपए जो मंथली इसकी सैलरी बनेगी। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं लिटरेट, यानी कि लिटरेट या फिर फिजिकली फिट। आप लोगों से कुछ ऐसा स्पेशली नहीं मांगा गया कि आप लोग 10th पास हो, 8th 12th पास हो। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब यह है यदि आप लोग 8वीं बार है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए। और देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ परमानेंट विथ 6 मंथ प्रोबेशन, यानी कि 6 मंथ का जो है आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है और ये परमानेंट वैकेंसी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप सफाई वाला की जो सभी के लिए इसमें वैकेंसी है, वन जो फिजिकली हैंडेड होते हैं, ठीक है, VH, VH, HH और OH सभी के लिए इसमें। और इसमें एज लिमिट वगैरह जो मैंने आप लोग को बता दी है, बैकवर्ड क्लास की 3 साल और जो एससी एसटी है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो भी आप लोग को इसमें छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तब भी आप लोग को इसमें छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और जैसे इसका ऑनलाइन होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है द एज लिमिट एज टू लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो लास्ट डेट है इसकी, जी हाँ, जो लास्ट डेट है उसी डेट को जो है आप लोग की एज काउंट की जाएगी। और एप्लीकेशन फीस के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसमें जो एप्लीकेशन फीस आप लोग की लगने वाली मात्र 100 रुपए लगने वाली है। ठीक है, और ये जो फीस लगेगी ये जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगेगी। और इसके अलावा यदि आप लोग एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसके अलावा आप लोग यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप लोग इसमें आप लोग को कोई फीस नहीं देनी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज अब पता चलती है इससे कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो भी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप लोग की ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा पूरी डिटेल। और इसमें आप लोग को बताया गया है कि जो ऑनलाइन मोड से जो पेमेंट होगी, ठीक है, जो डेट टाइम और एंड वेन्यू टेस्ट डेट वगैरह जो भी आप लोग को इसके रिक्रूट वेबसाइट पोर्टल है उससे पता चल जाएगा, www.containmentboardrecruitment.org से। ठीक है, और आप लोग को जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका भी पोर्टल जो मैंने दिखाया वही है। ठीक है, www.containmentboardorg.in से। ठीक है, आप लोग को यहाँ से जो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करनी है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो डेट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कमेंसिंग डेट फॉर सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो 1/4/2020,
यानी कि 1 अप्रैल 2020 से आप लोग के इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 30/4/2020, यानी कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जो आप लोग को प्रिंट आउट है वो भी 30/4/2020 तक निकाल लेना है, तो इसका प्रिंट आउट आप लोग जरूर निकाल लेंगे जैसे ही आप लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, तो जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो उसकी भी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम इसकी जो है डिटेल मिलती रहे, क्या भर्ती चल रही है, कैसी चल रही है, ठीक है। जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे मैं आप लोग को बता दूंगा, बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 74 वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए कंटेनमेंट बोर्ड में, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और कुल मिला के मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो लेके आऊं तो आप लोग को पता चल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकॉन वाले बटन को भी जरूर दबाया कीजिए, नहीं तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी प्रकार से न्यू वीडियो के टाइम, और जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है मैं आप लोग को बताऊंगा विदाउट टेंशन। यदि आप लोग भी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा में मौका है आप लोगों के लिए कंटेनमेंट बोर्ड में अप्लाई करने के लिए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।